नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 का छठा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो बच्चों, यह दवा का एक कैप्सूल जैसा होता है ना, कैप्सूल वैसा है ये, ऐसा दिखने में दिखाई देता है। हमने इसको अलग करके बनाया है। देखो कैसे, बीच में एक बेलन है, देखो, जिसके दोनों सिरों पर एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला। यह बीच में लाल रंग का जो है यह एक बेलन है, और यह हरा इसके इस तरफ भी अर्धगोला है और हरा इसके इस तरफ भी अर्धगोला है। यह मिलकर यह पूरा कैप्सूल बनता है। अब बच्चों देखो, इसकी यह 5 मिलीमीटर दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक यह 5 मिलीमीटर। इसका मतलब यहां से लेकर इसकी जो त्रिज्या होगी वह होगी 5/2 मिलीमीटर, ठीक है, यानी कि 2.5 मिलीमीटर, यानी कि इस अर्धगोले की त्रिज्या है 2.5। तो यह जो यहां से लेकर और यहां तक साइड होगी यह होगी 2.5। इसी प्रकार से यहां से लेकर और यहां तक यह भी होगी 2.5। 2.5 और 2.5 हो गया 5 सेंटीमीटर। जो पूरी इसकी लंबाई है वह है 14 मिलीमीटर। यह पूरी लंबाई है 14 मिलीमीटर। 14 में से 5 निकाल दो तो वह आ जाएगी इस बेलन की ऊंचाई, यानी कि 9 मिलीमीटर। तो समझे बच्चों, एक बेलन है, त्रिज्या होगी 2.5, ऊंचाई होगी 9। इसी प्रकार से अर्धगोले हैं, उनकी त्रिज्या होगी 2.5 मिलीमीटर। बच्चों जो भी मैंने बोला, यदि आपको ना समझ आया हो, आप वीडियो दोबारा पीछे ले जाओ, दोबारा समझो, फिर दोबारा पीछे ले जाओ, फिर दोबारा सुनो। ये अभी तक जो मैंने बोला वो आपको समझ आना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रश्न को आगे समझ पाओगे। आइए अब हम आगे प्रश्न को समझते हैं। हमें बोला गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम जो जो चीजें हमने कैलकुलेट करी वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, वह होगी 5 मिलीमीटर/2, यानी कि 2.5 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। कुल लंबाई थी 14 मिलीमीटर, तो वहां से बेलन की भी त्रिज्या होगी 2.5 मिलीमीटर। अब 2.5 इधर घट गया, 2.5 इधर घट गया, कुल है 14, 14 में से 5 घटा दो, वह होगी बेलन की ऊंचाई, यही हम यहां पर लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर 14 - 2.5 - 2.5 मिलीमीटर, यानी कि 9 मिलीमीटर। आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब हम कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह किसके बराबर होगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों अर्धगोले एक जैसे हैं, तो 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह बराबर होगा कुल कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो आइए हम इसे हल करते हैं बच्चों। देखिए, 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr² प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2πrh। अब हम यहां पर वैल्यूज डालते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, दो गुना पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं दी हुई है तो 22/7 × r². r क्या है? अर्धगोले का, अर्धगोले की त्रिज्या है 2.5, तो यानी 2.5 × 2.5 ये आया है इसको हल करके, प्लस उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि है 2πrh, 2 गुना पाई यानी कि 22/7 × r, r है 2.5 × h,
एच आई है 9 और यह मिलीमीटर स्क्वायर में उत्तर होगा। आइए अब इसे हल करते हैं बच्चों। देखिए 22/7 यहां भी है, 22/7 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 × 22/7 कॉमन आ गया। 2.5 यहां भी है, 2.5 यहां भी है, इसको भी बाहर कॉमन ले लो, बाकी जो बच गया उसको अंदर छोड़ दो। 2 बाहर चला गया, 22/7 बाहर चल गया, 2.5 बाहर चल गया, बाकी रह गया 2 × 2.5 जो कि होता है 5 प्लस 2 बाहर, 22/7 बाहर, 2.5 बाहर, बाकी रह गया 9 मिलीमीटर स्क्वायर। इसे हम हल करेंगे। देखिए यहां भी ऐसा ही होगा, 2 × 2.5 हो जाएगा 5, तो ये आ गया 22/7 × 5 × 5 + 9 होता है 14 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 7 से 14 कट जाएगा, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 10 को 22 से गुना कर दो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या आ गया बच्चों, यह आ गया है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख देंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो देखा बच्चों, पहले तो आपको सिर्फ प्रश्न के हिसाब से आपको समझना है कि कैप्सूल कैसा होता है, बीच में बेलन, उसके इस तरफ भी अर्धगोला और इस तरफ भी अर्धगोला, और हमने तीनों के ही वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को प्लस कर दिया है, तो वहां से हमारे पास कैप्सूल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया है। बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी भी बिंदु पर आपको जाकर ना समझ आया हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको यह प्रश्न अवश्य समझ आएगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझिए। धन्यवाद बच्चों।